हरे कृष्णा। तो आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे अभी हम सब जानते हैं कि हम भागवतम के चौथे स्कंद पर चर्चा कर रहे हैं और कुछ दिनों से हम पृथु महाराज के बारे में अभी सुनते आ रहे हैं, जिसको विस्तृत रूप से श्रीमान श्याम रसिक प्रभु, श्रीमान तीर्थपाद प्रभु हमें श्रवण करने का हमको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और कल की कक्षा में हमने चौथे स्कंद का अध्याय 22 और श्लोक क्रमांक 52 तक हमने सुना था। तो आज हम श्लोक क्रमांक 53 से चर्चा करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं चाग्रजातां सहगण रघुनाथानितं सजीवं साधुतम सवधूतम परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतादिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो अभी श्लोक क्रमांक 53 को हम उच्चारण करेंगे और उसके अनुवाद और श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो तात्पर्य भी हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। काफी महत्वपूर्ण अध्याय है और जो जिन श्लोकों के ऊपर अभी हम चर्चा करके आ रहे हैं काफी इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो श्लोक क्रमांक 53 इस प्रकार है। एवं अध्यात्म योगेन कर्माण्यनुसमाचरन् पुत्रानुत्पादयामाश पञ्चार्चिष्यात्मश मतान। अनुवाद। भक्ति की मुक्त अवस्था में स्थित होकर पृथु महाराज ने न केवल समस्त सकाम कर्मों को संपन्न किया अपितु अपनी पत्नी अर्ची से 5 पुत्र भी उत्पन्न किए। निसंदेह उनके सारे पुत्र उनकी निजी इच्छानुसार उत्पन्न हुए थे। तात्पर्य भाई
इस डिवाइन ग्रेस से भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि गृहस्थ के रूप में पृथु महाराज को अपनी पत्नी अर्ची से 5 पुत्र प्राप्त हुए और ये 5 पुत्र उनकी इच्छानुसार उत्पन्न हुए थे। तो अगर थोड़ा पहले हम जाएंगे, हमने जो चतुर्थ स्कंद के जो अध्याय 15 है वहां से हमने पृथ्वी महाराज का ये कहानी हमने सुना था। तो अभी भी अध्याय 22 पर है, हम फिर भी हम पृथ्वी महाराज का गुणगान कर रहे हैं, उनके बारे में सुन रहे हैं। तो इससे हमको ये प्रतीत होता है और इसके हमको ये जानना चाहिए कि इन अध्यायों को कितना हम सीरियस लेना चाहिए, इन शिक्षाओं को किस प्रकार हमको सिंसियरली और सीरियसली लेना चाहिए। और जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि भागवतम जो है कन्वर्जेशन विद इन द कन्वर्जेशन, तो हम देखते हैं कि श्लोक क्रमांक देखते हैं श्लोक क्रमांक 47 तक, श्लोक क्रमांक 47 तक किस प्रकार 4 कुमार जो उनके साथ किस प्रकार पृथ्वी महाराज का मुलाकात होता है और क्या क्या वो पृथ्वी महाराज किस प्रकार संवाद कर रहे हैं, फिर 4 कुमारों ने क्या क्या बोला उसके बारे में हम सुन रहे हैं। और उसके बाद श्लोक क्रमांक 48 से मैत्रेय मुनि ये बताते हुए बोले कि द ग्रेट सेज मैत्रेय कंटिन्यूड बीइंग दस वर्शिप्ड बाय महाराज पृथु द 4 कुमारस हु वर मास्टर्स ऑफ डिवोशनल सर्विस बिकम वेरी प्लीज्ड इनडीड दे अपीयर्ड इन स्काई एंड प्रेज्ड द कैरेक्टर ऑफ द किंग एंड एवरीवन ऑब्जर्व्ड देम। तो इस प्रकार क्या बोल रहे हैं श्लोक क्रमांक 48 पे मैत्रेय मुनि फिर विदुर मुनि विदुर जी को बता रहे हैं कि इस प्रकार जब पृथ्वी महाराज के द्वारा उपासना प्राप्त किया उन्होंने और इस प्रकार पृथ्वी महाराज ने उपासना किया 4 कुमारों को और फिर किस प्रकार वो आकाश मार्ग में वो दिखे और आगे क्या क्या हुआ उसके बारे में बता। और यहाँ से मैत्रेय मुनि पृथ्वी महाराज का गुणगान करेंगे इस अध्याय का अंत तक कि पृथ्वी महाराज ने क्या क्या किया, उनके पास क्या क्या गुण थे। तो इससे हमको ये हमको जानना जरूरी है कि एक भक्त का गुणगान कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए बार बार हम देख रहे हैं, इससे पहले हम ध्रुव महाराज का कथा सुना है, आगे हम देखेंगे प्रहलाद महाराज का कथा और फिर हम देखते हैं कि राजा वेण और अनेक भक्तों का कथा और उनके गुणगान, ये सब क्यों भागवत में दिया हुआ है। और ये सब को जो बार बार हम चर्चा करते हैं उन गुणों को हमारे जीवन में उसको यूज करने का प्रयास हमको करना चाहिए। तो इस प्रकार इसमें भी एक गुण का यहाँ पर मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं पृथ्वी महाराज का। तो क्या गुण है या क्या एक्टिविटी है उनका, क्या उन्होंने उनका क्या कार्यकलाप है उसके बारे में ये यहाँ पर बता रहे कि भक्ति की मुक्त अवस्था में स्थित होकर पृथ्वी महाराज ने न केवल समस्त सकाम कर्मों को संपन्न किया अपितु अपनी पत्नी अर्ची से 5 पुत्र भी उत्पन्न किए। निसंदेह उनके सारे पुत्र उनकी निजी इच्छा अनुसार उत्पन्न हुए। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी महाराज एक आदर्श गृहस्थ थे, एक आदर्श राजा भी थे और एक आदर्श भक्त भी थे। इसलिए तो उनके बारे में इतने सारे अध्यायों में उनके बारे में वर्णन किया गया। तो आगे तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं वे किसी
सनक या संयोग से नहीं उत्पन्न हुए थे। कौन? वो पांच पुत्र अपनी इच्छा अनुसार किस प्रकार संतान उत्पन्न की जाए इस युग में, खास करके कलयुग में, एक प्रकार से अज्ञात। इसका रहस्य पति पत्नी द्वारा शुद्धि विधियों का, जिन्हें संस्कार कहते हैं, अपनाया जाना है। इन संस्कारों में पहले जो संस्कार आता है वो गर्भाधान संस्कार है, जो विशेष रूप से उच्च वर्णों यानी कि ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए अनिवार्य है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि जो स्त्री प्रसंग धर्म के विपरीत नहीं रहता वो स्वयं श्री कृष्ण है। धार्मिक नियम के अनुसार जब कोई संतान उत्पन्न करना चाहे तो उसे संभोग के पूर्व गर्भाधान संस्कार संपन्न करना चाहिए। संभोग के पूर्व माता पिता की जैसी मानसिकता होती है उसका प्रभाव निश्चित रूप से उत्पन्न होने वाली संतान की मानसिकता पर पड़ेगा। हो सकता है कि कामवश उत्पन्न की गई संतान माता पिता की आशा के अनुरूप न निकले। शास्त्रों का कथन है, यथा योनि यथा बीजम। यथा योनि ही से माता का संकेत है और यथा बीजम से पिता का। यदि संभोग के पूर्व माता पिता की मानसिक दशा सुस्थिर है तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो अवश्य ही उनकी मानसिक दशा को प्रतिबिंबित करेगी। अतः आत्मसन्मतान शब्दों से लक्षित होता है कि संतान उत्पन्न करने के पूर्व पृथु महाराज तथा अर्ची ने गर्भाधान संस्कार संपन्न किया होगा, फलतः उनके सारे पुत्र उनकी इच्छाओं तथा विशुद्ध मानसिक दशाओं वाले उत्पन्न हुए। पृथु महाराज ने काम के वशीभूत होकर पुत्रों को जन्म नहीं दिया, न ही वो इंद्रिय तृप्ति हेतु अपनी पत्नी के प्रति आकृष्ट हुए थे। उन्होंने गृहस्थ के रूप में सारे विश्व में भविष्य में अपना शासन चलाने के लिए पुत्र उत्पन्न किए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद सुंदर रूप से वर्णन करते हैं कि इस श्लोक से हमको क्या सीख लेना चाहिए। तो खास करके हमको किस प्रकार संस्कार की आवश्यकता है। संस्कार तो बहुत सारे संस्कार है, परंतु इस श्लोक से जो संबंधित संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार है। आजकल एक ट्रेंड बन चुका है जो यंग जो एडल्ट्स में कि शादी करते हैं और उनका जो पुत्र या पुत्री जन्म देने का जो एक्चुअली कर्तव्य होता है उसको वो लोग एक बर्डन मानते हैं। इसलिए काफी सारे आजकल जो साइंटिफिक इन्वेंशन जिसको बोलते हैं उसके माध्यम से वो लोग यूज करके वो लोग सेंस एंजॉयमेंट में लिप्त रहते हैं, परंतु ये शास्त्र विरोध है। इसलिए जिस प्रकार यहाँ पर पृथ्वी महाराज अपनी इच्छा से, पति पत्नी अपनी इच्छा से गर्भाधान संस्कार करके कि एक पुत्र या पुत्री जो भी हो उसको एक भक्त बनाएगा, क्या उसका जो दायित्व है उसको अच्छी तरह से हमको आगे संस्कार भी देंगे तो आगे के संस्कार में आएंगे। बट यहाँ पर खास करके प्रभुपाद हम गर्भाधान संस्कार के बारे में हमको बता रहे हैं। तो इस प्रकार पृथु महाराज इस प्रकार के आदर्श गृहस्थ का जीवन यापन करते हुए ये सब कार्य उन्होंने किया, हमको इस श्लोक से ये सीख हमको लेना चाहिए। और यहाँ पर प्रभुपाद एक सुंदर जो शब्द के बारे में यहाँ पर बताते हैं कि आत्मसमतान का यहाँ पर जैसे कि मीनिंग अगर हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर,
उनके इच्छा से। तो इसलिए पृथ्वी महाराज ने गृहस्थ के रूप में सारे विश्व में भविष्य में अपना शासन चलाने के लिए पुत्र उत्पन्न किया। ये सब एक्टिविटी अभी वर्णन कर रहे हैं कौन? मैत्रेय मुनि। किसके सामने? विदुर जी के सामने। तो आगे का श्लोक हम पढ़ेंगे, श्लोक क्रमांक 54। विजिताशं धूम्रकेशं हर्यक्षं द्रविणं मृकं सर्वेषां लोकपालानं दधारैकः पृथ्वीगुणान्। अनुवाद। विजिताश्च धूम्रकेश हर्यक्ष द्रविण तथा वृक नामक पांच पुत्र उत्पन्न करने के बाद भी पृथ्वी महाराज इस लोक पर राज्य करते रहे। उन्होंने अन्य समस्त लोकों पर शासन करने वाले देवों के समस्त गुणों को आत्मसात किया था। पिछले श्लोक में हम देखते हैं कि पृथ्वी महाराज का पत्नी का नाम क्या था? पृथ्वी महाराज का पत्नी का नाम क्या था? अर्ची। और इस श्लोक में हम देखते हैं उनके जो पांच संतान हुए उनके क्या क्या नाम थे। विजिताश्च धूम्रकेश हर्यक्ष द्रविण तथा ब्रिक नामक पांच पुत्र थे। और आगे प्रभुपाद तात्पर्य में सुंदर रूप से प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्येक लोक का एक प्रधान देव होता है। जैसे कि भगवद गीता से पता चलता है कि सूर्य का प्रधान देव विवस्वान है, इसी प्रकार चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के भी प्रधान देव हैं। वास्तव में अन्य समस्त लोकों के प्रधान देव सूर्य तथा चंद्रमा के प्रधान देवों की संतानें हैं। इस पृथ्वी लोक में दो क्षत्रिय वंश है, एक सूर्य के प्रधान देव से उत्पन्न है और दूसरा चंद्रमा के प्रधान देव से। ये वंश क्रमशः सूर्य वंश तथा चंद्रवंश कहलाते हैं। जब इस श्लोक पर राजतंत्र था, जब इस श्लोक पर राजतंत्र था तो इसका मुख्य सदस्य सूर्यवंशी था और अधीन राजा चंद्रवंश के थे। किंतु महाराज पृथ्वी इतने शक्तिमान थे कि वे अन्य लोकों के प्रधान देवों के समस्त गुणों से उत्प्रोत थे। आधुनिक युग में लोगों ने पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने का प्रयास किया है, किंतु वे वहां किसी को भी नहीं पा सके। चंद्रमा के प्रधान देव से मिलने की बात तो दूर रही, किंतु वैदिक साहित्य बारंबार कहता है कि चंद्रमा अत्यंत बुद्धिमान निवासियों से पूर्ण है, जिनकी गणना देवताओं में भी की जाती है। अतः हमें हमेशा संदेह होता रहता है कि पृथ्वी के आधुनिक वैज्ञानिकों ने किस प्रकार की चंद्र यात्रा की है। तो यहाँ पर जैसे बताया गया कि उन्होंने अन्य समस्त लोकों पर शासन करने वाले देवों के समस्त गुणों को आत्मसात किया। तो इस लाइन को समझाने के लिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि अन्य लोकों में कौन कौन रहते हैं, और उसका उल्लेख करते हुए प्रभुपाद ये बताते हैं कि चंद्रलोक और सूर्यलोक जैसे है, ऐसे जितने भी प्रधान देव है उनके अंदर जो भी गुण है वो सारे गुणों को आत्मसात किया था पृथ्वी महाराज ने। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो किस प्रकार मैत्रेय मुनि एक एक करके पृथ्वी महाराज के गुण को वर्णन कर रहे हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। तो आगे हम देखेंगे और क्या क्या मैत्रेय मुनि बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 55। गोपीथाय जगत सृष्टे कालेश्वे शुच्युतात्मकः मनोवाग्रु दिवि शौर्य गुरुणि शरण जयन प्रजाः। चूंकि महाराज पृथ्वी भगवान के पूर्ण भक्त थे, अतः वे सारे नागरिकों को उनकी अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्न रखते हुए भगवान की सृष्टि की रक्षा करना चाहते थे। अतः पृथ्वी महाराज उन्हें
अपनी वाणी, मन, कर्म तथा सौम्य आचरण से सभी प्रकार प्रसन्न रखते थे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि गोपी थाय जगत सृष्टि काले श्वे शोच्युतात्मक मनोबाग वृत्ति भी सौमेर मनोबाग वृत्ति भी सौमेर गुणे गुणे शरण जयन प्रजाहा मनोबाग वृत्ति भी मनोबाग मन यानी कि मन से वाक शब्दों से वृत्ति भी व्यवसाय से शौर्य अत्यंत सौम्य और भद्र से गुणे यानी कि गुण से शरण जयन प्रसन्न रखते हुए किनका प्रजाहा नागरिक जनों का या प्रजाओं का। तो इस प्रकार कैसे कैसे वो प्रजाओं को संतुष्ट रखते थे मन से मन वाक वृत्ति भी और सौम्य ही मन अपना शब्द से व्यवसाय से अत्यंत सौम्य और भद्र होकर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पृथु महाराज का किस प्रकार एक्टिविटी था और प्रभुपाद ये बताते हुए तात्पर्य में कहते हैं कि जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा कि पृथु महाराज दूसरों के मन की बातों को समझ सकने की अलौकिक शक्ति के कारण सभी प्रकार के नागरिकों को प्रसन्न रखते थे। तो निसंदेह वे इतने व्यवहार कुशल थे कि प्रत्येक नागरिक संतोष और पूर्ण शांति का अनुभव करता था। इस श्लोक में अच्युतात्मक शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराज पृथु इस श्लोक में भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। अच्युतात्मक 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 यानी कि उसका अर्थ क्या है अच्युतात्मक बीइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस बीइंग कृष्णा कॉन्शियस अच्युतात्मक। और उन्हें पता था कि वे भगवान के प्रतिनिधि हैं और भगवान की सृष्टि की रक्षा ठीक से होनी चाहिए। सृष्टि के पीछे क्या उद्देश्य है इसे नास्तिक नहीं समझ सकते। यद्यपि आत्म जगत की तुलना में यह भौतिक जगत है तो भी इसके पीछे कुछ ना कुछ प्रयोजन है। आधुनिक विज्ञानी तथा दार्शनिक इस प्रयोजन को नहीं समझ सकते, न ही वे सृष्टि के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। देखिए वे प्रत्येक बात को वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं किंतु वे किसी भी वस्तु को परम सृष्टा में केंद्रित नहीं रख करते। कोई भक्त ही सृष्टि के प्रयोजन को समझ सकता है। यह प्रयोजन है उन व्यष्टि जीवात्माओं को सुविधाएं प्रदान करना जो भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताना चाहती है। अथवा इस लोक के शासक को यह जानना चाहिए कि सभी निवासी विशेष रूप से मनुष्य इस भौतिक जगत में इंद्र सुख भोगने के लिए आए हैं। अतः शासक का कर्तव्य है कि वो उनकी इंद्रिय भोग को तुष्ट करे और साथ ही उन्हें कृष्ण चेतना तक उठा दे जिससे वे अंत में भगवान के धाम वापस जा सके। राजा या शासनाध्यक्ष को इस विचार को ध्यान में रखते हुए संसार में राज्य करना चाहिए। इससे हर व्यक्ति संतुष्ट रहेगा किंतु ये कैसे किया जाए। महाराज पृथ्वी के समान उनके उदाहरण हैं और इस लोक में उनके शासन का इतिहास श्रीमद् भागवत में विस्तार से वर्णित है। इस पतित युग में भी यदि शासक अधीक्षक तथा राष्ट्रपति पृथु महाराज के उदाहरण से लाभ उठाएं तो सारे संसार में निश्चय ही शांति तथा संपन्नता का साम्राज्य स्थापित हो सकता है। तो बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत करते हैं प्रभुपाद का ये जो पर्पट है ये हम भी पहले भी इसके बारे में चर्चा किए हैं कि सेल्फ सफिशिएंट टू एक्सप्लेन जो श्लोक का जब भागवत गीता जो भी अन्य किताब प्रभुपाद ने लिखा है। तो तात्पर्य
आप अगर पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार प्रभुपाद एक एक शब्द, एक एक लाइन को समझाने के लिए क्या क्या उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और स्थान, काल और पात्र, ये सब को दृष्टि देते हुए भी प्रभुपाद हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। ये पूरा जो प्रस्तुति प्रभुपाद का हमारे लिए, तो इसलिए ये सब का हमको लाभ उठाना चाहिए। और मैत्रेय मुनि किस प्रकार एक एक गुण, एक एक एक्टिविटी के बारे में पृथ्वी महाराज का बता रहे हैं, वो सबको हमको ध्यान से सुनना चाहिए और अपने जीवन में इसको हमको अपनाना चाहिए। तो आगे की श्लोक में हम देखेंगे, जैसे प्रभुपाद भी मेंशन कर रहे थे पर्पट में, कि अगले श्लोक में कि बताया जाएगा कि पृथ्वी महाराज दूसरों के मन की बातों को किस प्रकार समझ सकते थे, तो वो पढ़ेंगे। तो श्लोक क्रमांक 56, राजित्य धारणा मध्ययं सोम राज इवा परह सूर्यवद विश्रुजन गृणन प्रतपंश्च भुवो वशु। महाराज पृथु चंद्र के राजा सोमराज के समान विख्यात हो गए, वे सूर्य देव के समान शक्तिशाली तथा कर संग्रहण करता भी थे। सूर्य ताप तथा प्रकाश बांटता है किंतु साथ ही समस्त लोकों के जल को खींच लेता है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार तुलना किया गया है, सूर्य ताप तथा प्रकाश बांटता है किंतु साथ ही समस्त लोकों के जल को खींच लेता है। तो प्रभुपाद भी सुंदर तात्पर्य में बताते हैं कि क्यों इस प्रकार तुलना किया गया है कि महाराज पृथ्वी चंद्र के राजा सोमराज के समान विख्यात हो गए। इस श्लोक में महाराज पृथ्वी की तुलना सूर्य तथा चंद्रमा के राजाओं से की गई। चंद्रमा तथा सूर्य के राजा ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिस तरह भगवान ब्रह्मांड को शासित होना देखना चाहते हैं। सूर्य ताप तथा प्रकाश वितरित करता है और साथ ही सभी लोगों के जल को खींचता रहता है। चंद्रमा रात्रि में अत्यंत सुहावना लगता है और दिन में सूर्य के ताप में किए कार्य से थका व्यक्ति चंद्रमा के प्रकाश में आनंद उठा सकता है। सूर्यदेव के समान पृथ्वी महाराज ने अपने राज्य को सुख प्रदान करने के लिए अपना ताप तथा प्रकाश वितरित किया, क्योंकि बिना ताप तथा प्रकाश के कोई जीवित नहीं रह सकता। इसी तरह पृथ्वी महाराज एक और जनता पर कर लगाते और नागरिकों तथा सरकार को इतने कड़े आदेश देते कि कोई भी उनकी अवज्ञा करने का साहस न करता। दूसरी ओर से वो चांदनी के समान शवों को प्रसन्न रखते हैं। चंद्रमा तथा सूर्य दोनों का ही कुछ न कुछ प्रभाव होता है जिससे ब्रह्मांड में व्यवस्था बनी रहती है। आधुनिक विज्ञानियों तथा दार्शनिकों को ब्रह्मांड पालन की भगवान की पक्की व्यवस्था से परिचित हो लेना चाहिए। प्रभुपाद अपने पोर्पोट में जो श्लोक का अनुवाद को व्याख्या तो करते ही करते, आगे वो सबको क्या क्या सीखना चाहिए, वैज्ञानिकों को क्या सीखना चाहिए, एक गृहस्थ को क्या सीखना चाहिए, एक राजनेता को क्या सीखना चाहिए, सबके बारे में एडवाइस देते रहते। तो हमको क्या चाहिए, हमको तो यही आदेश, यही इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। उदाहरण के साथ साथ, ऑथेंटिक प्रूफ के साथ साथ प्रभुपाद हमको एक एक इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं हर श्लोक में। तो इसलिए प्रभुपाद का अनुवाद, जो श्लोकों का जो अनुवाद है, जो पर्पट है, काफी महत्वपूर्ण है। हमको इसको लाइन बाय लाइन इसको स्टडी करना चाहिए। जैसे कि हम अभी 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 हाल ही में हमने शुरू किया है प्रभुपाद के जो किताबों को पठन करना शुरू अभी किया है हमने, तो इस प्रकार हमको भगवत का जो भागवतम भगवत गीता इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझ कर पढ़ना चाहिए।
और आगे लोगों को भी बताना चाहिए इसके बारे में। तो इस प्रकार हम देखते हैं किस प्रकार पृथ्वी महाराज का एक एक गुणगान, उनका एक्टिविटी के बारे में बताते हैं कौन मैत्रेय मुनि विदुर जी के सामने। और आगे के कक्षाओं में भी हम देखेंगे किस प्रकार इस अध्याय के अंत तक पृथ्वी महाराज का गुणगान किया गया है मैत्रेय मुनि के द्वारा। और आगे के अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार महाराज पृथ्वी इज गोइंग बैक होम। तो आज के जो श्रीमद्भागवत कक्षा को हम यहीं पर विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।